नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। महिला सुपरवाइजर के घर पर एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ मारा छापा। छापे के दौरान अवैध गर्भ समापन के लिए लाई गई नाबालिग किशोरी को किया बरामद। फरखाबाद कायमगंज नगर के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से अवैध गर्भ समापन का धंधा अस्पताल अधीक्षक की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल अधीक्षक इस अवैध कारोबार से वाकिफ न हो। अवैध गर्भ समापन के नाम पर मोटी धन वसूली की जाती है। ये अवैध कारोबार अस्पताल में कार्यरत महिला ANM के घरों में चल रहा है। आज भी एक नाबालिग किशोरी को दो युवक बाइक पर बैठाकर अवैध गर्भ समापन के लिए लाए थे, जिनकी भनक किसी तरह SDM नरेंद्र सिंह को हुई, जिस पर उन्होंने भारी पुलिस बल के अलावा महिला पुलिस बल को साथ लेकर अस्पताल परिसर में बने एक क्वार्टर में छापा मारा। यहां से वह नाबालिग किशोरी को बरामद किया। पूछताछ में किशोरी के साथ आई उसकी माँ गुड्डी देवी निवासी थाना नवाबगंज के गांव सासैया ने सारा वाकया SDM व पुलिस को बताया। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ कौन जांच कर रहा है? वो किस संबंध में किए? सूचना मिली थी कि CSC के पीछे जो एक ANM है, उनके यहाँ पर कोई इलीगल एबॉर्शन का केस है। तो तुरंत मौके पर पुलिस और डॉक्टर्स की टीम को ही बुलाया गया, लेकिन वो तो नहीं पहुँचे। यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट है, उनको भी कॉल किया गया था, वो किसी वजह से यहाँ नहीं थे, नहीं आ सके। उस केस में उनकी पूरी पूछताछ की गई है। तो नेमा नाम की एक लड़की है, उसने स्वीकार किया है कि हाँ, मैं यहाँ पर किसी केस में किसी वजह से एबॉर्शन कराने के लिए यहाँ आई हूँ। और उनके दो परिजन भी हैं, उनकी भाभी हैं और भी हैं। तो यहाँ एक जो ANM है मंजिल तिवारी, उनके घर पर वो पाई गई, घर के अंदर पाई गई। और उनसे ये पूछताछ जारी, अब देखना होगा कि क्या वास्तव में ये इस इलीगल अवैध काम में लिप्त हैं या नहीं, ये भी जांच का विषय है। इसी की आगे कार्रवाई करवाई जा रही है। ये सब जो मंजिल तिवारी हैं, क्या ये हॉस्पिटल में यहाँ कार्य कर रही हैं क्या अपने? नहीं, इसकी अभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो पूछताछ में अपना बताया, ये बताया कि मैं कानपुर ट्रेनिंग पर थी। इनकी बहू ने कुछ और स्टेटमेंट दिए हैं। तो अभी अभी जांच करवा के और जो यहाँ डॉक्टर्स का पैनल है, उनसे जो अपॉइंटमेंट है, इनका वो चेक करवाया जाएगा कि कहाँ पर हैं और किस तरह से हैं।